सभी को जय श्री राम। मेरा नाम अंबिका प्रसाद दुबे और कैलाश है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ और 22 जनवरी को जिस दिन श्री राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन से मेरे जीवन में अलग जगी कि मैं एक संकल्प लिया मैंने कि देश भर में 1 करोड़ घरों पे, विदेशों में भी 1 करोड़ घरों पे जय श्री राम का नारा अंकित करूँगा। और इसी उद्देश्य के साथ अपनी मोटरसाइकिल उठा के, बैग उठा के जिसमें पेंट है, स्टेंसिल है, ब्रशेज हैं, तारपीन तेल है, सेलो टेप है, ये सब लेके बस निकल पड़ा। सभी को मेरा जय श्री राम। तो देश में 1 करोड़ घरों पे राम नाम अंकित करने निकला हूँ अपनी बाइक से। और जैसा कि आप सबसे पहले भी अवगत है, मैं कई कारों में, ऑटो में भी कर चुका हूँ। तो आज भाई साहब आपका नाम अमित चौहान जी ने बोला कि आप हमारी कार को भी राम नाम कर दीजिए, तो आज इनकी कार में भी लगी। कितने घरों पर अभी तक राम नाम लिख चुके हैं और कैसे मन में जागृति आई? इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैंने IBM में काम किया है 5 साल, डेल में 4 साल किया है, HCL में किया है। फिर पिछले गत 8 वर्षों से मैं साउथ इंडिया की टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ मेकअप दादा काम कर चुका हूँ। और भारतवर्ष में और विदेश तक में कुल मिला के अभी 2500 से ज़्यादा लोगों को मेकअप की ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उनको सक्षम बना चुका हूँ। अचानक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, अपने इलेक्ट्रॉनिक काम उसमें लाइन में भी काम किया, तो अचानक जिस सनातन के प्रति कैसे मन में भाव आया, क्या सोच के रखा था, कि फिर प्रेरित हुए या कुछ सोचा था, या अचानक कुछ हुआ, क्या हुआ? प्रेरित डेफिनेटली हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतना ज़ोर शोर से लगे हैं हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए। और मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं चाहता हूं भविष्य में वो सुरक्षित रहें, आरना और रावी, और भविष्य में अच्छे से ज़िंदगी बिता सकें। उद्देश्य ये था कि हम भारत को मजबूत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र और विश्व गुरु बना सकें। और दुनिया भर में हमारा नाम जो पहले हुआ करता था विश्व गुरु का, गुरुओं का, वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का, वो वापस से आ सके। और श्री रामचंद्र जी अपने आप में एक आदर्श हैं, मर्यादा के, त्याग के, समर्पण के, और एक विश्व पुरुष बन के वो रहे हैं हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि देश भर में, विदेशों में भी श्री रामचंद्र जी की माया बनी रहे। और इसी अलग के साथ मैं निकला हूँ कि हर घर में एटलीस्ट इतना योगदान दे सकूँ एक गिलहरी के रूप में, कि सबके घरों के बाहर जय श्री राम लिख सकूँ, ताकि उनके अंदर एक भाव जगे। क्योंकि हिंदुओं को जगाना एक कठिन कार्य है, जगाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू साधारण तरीके से रहता है, वो उत्तेजित नहीं होता है, वो गुस्से में नहीं रहता, वो सौम्य भाव से, सर्वधर्म से रहता है। उसके लिए वसुधैव कुटुम्बकम है। बाकी धर्मों का मैं किसी से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी तक कितने घरों पर लेखन कर चुके हैं, कहाँ कहाँ, कितने शहर में आ चुके हैं? मेरी यात्रा सागर से शुरू हुई, सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और महू, कुल मिला के अभी 15,000 और काउंटिंग घर हैं। और ये यात्रा 1 करोड़ घरों का संकल्प है और पूरे देश में जारी रहेगी, अथक जारी रहेगी। मैं सवेरे 8 बजे से शुरू करता हूँ, रात को 12-1 बजे तक, बिना धूप की चिंता किए हुए, बिना रात की चिंता किए हुए, बिना भोजन पानी की चिंता किए हुए, बस लगा रहता हूँ और लगा ही रहूँगा सच्चे हृदय से। शायद यही कारण है कि आज मुझे बागेश्वर धाम बाबा के दर्शन हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपनी गदा भेंट करी, अपना अंगवस्त्र भेंट किया। उनका भी उद्देश्य भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत विश्व गुरु पहले की तरह हो, आपका भी उद्देश्य, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? एक हनुमान भक्त दूसरे हनुमान भक्त से, एक श्री राम भक्त दूसरे श्री राम भक्त से मिल लिया, आपसी समझ भेज बन गया। इसी को ही मैं अपने जीवन का उद्देश्य मानूंगा, इसी को मानूंगा कि भगवान का आशीर्वाद है, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का साथ है, सहयोग है, जो कि हमेशा मेरे साथ मेरी गाड़ी में यात्रा करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। और इसी तरह मैं लगा रहूंगा, राम काज करे बिना मुही कहां आराम। पहले महीने की कितनी इनकम थी, आप क्या आलाफ्ती का खर्चा पानी का क्या होता है? पहले तो लाखों में इनकम होती थी, सैलरी होती थी, और अभी तो खर्चा चलाना भी मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल, पेंट का खर्चा, रहने का, खाने का खर्चा सभी रहता है। सहायक मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का और RSS का, जिन्होंने अपने कार्यालय में मुझे रहने का मौका दिया और अपना सहयोग प्रदान किया। और
खर्चा बहुत है, लेकिन अब किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, जो जो सहयोग कर सके बस ये है, बाकी विनती है और ऑर्डर किसी को नहीं। तो आपने फैसला लिया कि हमें 22 तारीख से यात्रा पर निकलना है, राम नाम अंकित करना है घर घर जाकर, तो परिवार वालों का, आपकी बच्चियों का क्या रिएक्शन था? जय श्री राम। मेरी बेटियां बहुत खुश है, मेरी धर्मपति स्मृति दुबे बहुत खुश है कि जीवन यापन उदर पोषण बहुत कर लिए, आप जाइए और अगला जन्म सुधारते हैं, और जो भी होगा श्री रामचंद्र जी है, किसी को दुख नहीं देंगे, वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और मेरे परिवार को भी बहुत सुख संपन्नता से रखेंगे। मेरी बेटियां बहुत खुश हैं, हर जगह श्री राम बोलती हैं सबसे, अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट खत्म हो गया, थैंक यू खत्म हो गया, सभी के जीवन में जय श्री राम आ रहा है। और ये बात मैंने महसूस करी है, जहां जहां मैं लिखता हूँ वहां वहां के कॉलोनी में मोहल्ले में जो लोग बात नहीं करते थे, वो मेरे साथ जय श्री राम टोली बना के लिखने के लिए निकले हुए हैं। उनका आपस में प्रेम बढ़ गया है, सौजन्य बढ़ गया है, स्नेह बढ़ गया है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। यही बागेश्वर सरकार के लिए क्या कहेंगे? कल मुलाकात हुई, देखा आपने इंदौर का लगभग बताया जा रहा सबसे बड़ा कार्यक्रम कल था, इतना जनफैलाब इंदौर में एक जगह कहीं नहीं जुड़ा, क्या कहना चाहेंगे इस जनफैलाब को लेकर और सरकार को लेकर? सच बताऊं कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूं, उनके विचार उनके भाव उनका प्रसन्न मुद्रा चित्र मेरे रातों रात भर मेरे स्वप्न में और नींद में, स्वप्न तो छोड़िए सोया ही नहीं हूं, रात भर लेफ्ट राइट होता रहा और वो सोचता रहा। और इंदौर में इतनी विशाल जनसंख्या देख के उसके बीच में मुझे आशीर्वाद मिला, मैं अपने आप को धन्य मांगता हूं, और बागेश्वर बाबा आपका आशीर्वाद बना रहे। जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन धर्म, जय भारत राष्ट्र। बस आप ही लोगों की कृपा और सहायता की वजह से हमारी गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी आगे।